तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये भी काइनेमेटिक्स का है और जेई मेंस में पूछा गया था 12 अप्रैल 2019 को। ये जो क्वेश्चन है एक बार देखने में लगता है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन जब आप सोल्व करेंगे तो पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन है इसमें कांस्टेंट है। देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड वी इज इक्वल टू बी रूट एक्स। देख सकते हैं वेलोसिटी एक्स पर डिपेंड करता है यहाँ पर, है ना। तो देखने में लगता है कि एक्सेलरेशन जो आएगा वो भी वेरिएबल आएगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। सो अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इज इक्वल टू बी रूट एक्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टॉ, एज्यूम पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो कंडीशन दिया है, पहले तो मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं कि जब टाइम जीरो था तो ओरिजिन पर है यानी x जीरो है। अगर x जीरो था तो x जीरो रखने से वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो है, ठीक। उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी दी गई है वो दिया गया है बी रूट एक्स। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, बी कांस्टेंट है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। चूंकि हमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो चेन रूल लगाएंगे, पहले रूट एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स को टी के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो देखेंगे यहां पर जो डी एक्स बाई डी टी टर्म आया है ये एक्चुअली में वेलोसिटी होता है, तो ये हो जाएगा बी बाई 2 रूट एक्स इंटू वी। जो वी है वो क्वेश्चन में पहले से दिया गया है बी रूट एक्स, वी जो है वो बी रूट एक्स दिया गया है। तो देखेंगे रूट एक्स नीचे से और ऊपर से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बी स्क्वायर बाई 2। अब देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है ना वो टाइम डिपेंडेंट है ना एक्स डिपेंडेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो तो काइनेमेटिक्स के जो चार इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो चूंकि यहां पर वेलोसिटी पूछा गया है किसी टाइम टी पर, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो v इज इक्वल टू u जो है वो देखेंगे जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो आया है यहां पर वो आया है बी स्क्वायर बाई 2, और जो टाइम है क्वेश्चन में दिया गया है टॉग इक्वल, है ना, ये टाइम टॉग इक्वल दिया गया है। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो वेलोसिटी है वो आएगा बी स्क्वायर टॉ बाई 2। तो आप देखेंगे कि इसमें से जो ऑप्शन बी है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर।